नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के वार्ड 17 की पार्षद शबाना खातून के पति सह जमीन कारोबारी फिरोज उर्फ रिंकू हत्याकांड में पुलिस ने हत्या के साजिशकर्ता रियल एस्टेट कारोबारी मुर्शिद और उसके चालक सीटन समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 3 शूटर सहित घटना में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। पुलिस ने घटना के बाद ही उसे हिरासत में ले लिया था। कड़ी पूछताछ के बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस के अनुसार रिंकू से मुर्शिद ने व्यवसाय के लिए 45 लाख रुपये लिए थे। पैसे की मांग वह बार बार कर रहा था। 16 अप्रैल को रिंकू उसके घर पहुंचा। वहां उसने कहा कि जब तक पैसा नहीं दोगे आज हम यहां से नहीं जाएंगे। तब मुर्शिद ने कहा कि पैसा कहां भागा जा रहा है, हम साथ में इफ्तार करते हैं, रोजा खोलते हैं। इस दौरान शूटरों से वह फ़ोन पर लगातार इशारे में बात करने लगा। इफ्तार के बाद मुर्शिद ने रिंकू से कहा, पार्टी से बात हो गई है, पैसा आते ही पैसा आपको घर पर पहुंचा दिया जाएगा। रिंकू वहां से घर जाने के लिए निकला। वह जैसे हिंदपीढ़ी सेकेंड स्ट्रीट स्थित हाफिज चौक के पास पहुंचा, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अपराधी लेक रोड की ओर भाग जाते हैं। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तब पुलिस को बताया कि वह पैसा लौटाने के पक्ष में नहीं था। पैसे को लेकर रिंकू ने एक सप्ताह पूर्व उसने सरेआम कॉलर पकड़कर उसकी बेइज्जती की थी। इसके बाद उसने हत्या की साजिश रची थी। आपको बताते चले कि इसमें कुछ सफेदपोश भी सामने आ सकते हैं। पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई है कि इसके साथ कई जमीन में रिंकू ने पैसा लगाया था। कुछ जमीन में मामला फंसने के कारण उचित समय पर रिंकू को पैसा नहीं लौटा रहा था। इस बीच मुर्शिद का एक पुलिस के अधिकारी के साथ उठना बैठना भी हो गया था। वह लोगों को उस अधिकारी के नाम का धौंस भी दिखाता था। पुलिस को जानकारी मिली है कि कुछ सफेदपोश भी रिंकू का की हत्या की साजिश में शामिल हो सकते हैं। उनके खिलाफ 1 से 2 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया जा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।